दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों की अहमियत नहीं समझ पाते जो हमारे पास होती है। हम हमेशा बेहतर और अधिक पाने की चाह में लगे रहते हैं और इसी चाह में कई बार हम उन अमूल्य वस्तुओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को संवारती हैं। मित्रों, सोचिए, अगर हमारे पास कोई वस्तु है और हम उसका मूल्य नहीं समझते तो हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान अगर अपने पास पड़े बीज की अहमियत नहीं समझता तो वह उसे व्यर्थ ही गंवा देगा, पर यदि वह जानता है कि ये बीज उसे फसल देने वाले हैं तो वह उनका सही प्रयोग करेगा और अपने जीवन को समृद्ध बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका मूल्य हमें समझना चाहिए, जैसे हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा। ये सभी चीजें हमारे जीवन की नींव हैं। इनका महत्व समझ कर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में आए हुए थे। वहाँ एक चंदौसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और चार बच्चे उसके साथ रहा करते थे। चंदौसा की कुटिया के बाहर एक बहुत बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाया करता था। एक दिन जब चंदौसा सवेरे उठकर तालाब पर गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो देखने में बहुत दिव्य था। चंदौसा दौड़कर अपनी कुटिया में गया और अपनी पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। चंदौसा की पत्नी फुलौरी बड़े ही शांत स्वभाव की थी और साथ ही पतिव्रता भी थी। फुलौरी ने चंदौसा को तत्काल बताया कि महात्मा बुद्ध यहाँ हमारे राज्य में आए हुए हैं। शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे जिसके कारण ये फूल खिला हुआ है। फुलौरी की यह बात सुनकर चंदौसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद पड़ी रहा और उस पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी फुलौरी से आगे की रणनीति बताई। वह बोला, मैं यह पुष्प राजा को देकर उसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुलौरी कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, यह पुष्प भला हमारे किस काम का, ये राजा को ही दे आइए। इस पर चंदौसा कहता है, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूं। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदौसा को तेज कदमों से जाते हुए एक बड़े व्यापारी ने देख लिया। उसके हाथों में वह दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो गई। व्यापारी आवाज देकर चंदौसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प के बदले 2 सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत में चंदौसा यह सोचता है कि जब यह व्यापारी इस पुष्प का मूल्य 2 सोने के सिक्के देने को तैयार है तो राजा अवश्य ही इस पुष्प का इससे अधिक मूल्य देंगे। चंदौसा व्यापारी को ना करते हुए राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल गया। राह में राजा रत्नेश आते हुए दिखाई दिए। चंदौसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया तो राजा को वह पुष्प बड़ा दिव्य मालूम पड़ा और राजा उस पुष्प के बदले 5 सोने के सिक्के देने को शीघ्र तैयार हो गए। चंदौसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह पुष्प कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक चंदौसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा और व्यापारी दोनों को उस पुष्प को देने के लिए मना कर देता है और महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और उनकी शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदौसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। चंदौसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका हम कभी मूल्य नहीं समझ पाते और जाने अनजाने में उन्हें खो देते हैं, और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जिस तरह इस कहानी में उस व्यक्ति को उस पुष्प मूल्य पता चला और उसने उसे बेचने का इरादा बदल दिया, उसी तरह आप भी उन सभी चीज़ों का मूल्य समझें जो आपको प्राप्त हैं, क्योंकि देने वाला जिन हाथों से आपको देता है वह उन्हीं हाथों से सब कुछ ले भी सकता है। इसीलिए जीवन में हर किसी चीज़ का मूल्य समझें, हर किसी चीज़ की अहमियत को समझें। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में मौलिक और अमूल्य चीज़ों का मूल्य पहचानना चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि उनका सही मूल्य जानना ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है। जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति धन से नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य और सेवा से होती है।